हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेखा जी को, जो कि ब्लैक पेपर पे है, वो भी ऑयल पेस्टल से, जो कि मैंने आउटलाइन फ्री हैंड ड्रॉ किया है बिना ग्रिड के। तो लास्ट तक ज़रूर देखना कैसी बनी है, लास्ट में ज़रूर देखना क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाली है। सो लास्ट पॉइंट मिस मत करना। तो देख रहे हो, सबसे पहले मैंने आईज में वाइट कलर यूज़ किया है क्योंकि हर तरफ ब्लैक ब्लैक है, सो मैंने उसमें वाइट डाल दिया। तो उसके बाद हर तरफ मैं ग्रे टोन और वाइट टोन से ही बनाऊंगी, जो कि मेरे पास वाइट ऑयल पेस्टल, ब्लैक ऑयल पेस्टल और ग्रे ऑयल पेस्टल है। सो इन्हीं तीनों से हम मिला करके इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी हटके है मेरे हर ड्राइंग से। हाँ, यू नो ऑयल पेस्टल ये, बट पेपर अलग है और बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें एकदम अलग है, तो उसको ज़रूर देखना। जो कि ये मैंने रियल टाइम वीडियो ही है, बट मैंने बहुत कट किए हैं, जो कि मेन मेन पॉइंट है वो मैंने कट किया है, क्योंकि कट नहीं किया एक्चुअली, मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो क्योंकि उस टाइम मैं खुद उस ड्राॅइंग को कम्प्लीट करती हूँ, तो अभी तो भूत जैसा लग रहा है। तो हम मैंने बस कलर यूज़ करके, वाइट कलर, ग्रे टोन, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद मैंने हाथों से बस ब्लेंड किया। इसमें मैंने किसी भी किसी भी जो कॉटन बर्ड्स है, इन सारी किसी भी चीज़ों को यूज़ नहीं किया, केवल हाथ से ही मैंने प्रेस करके इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि ब्लैक कलर पीछे है। सो अगर कोई चीज़ कॉटन बर्ड्स यूज़ करेंगे, सो ये हुआ कि जो कलर होता है वो हटा देता है वहाँ का, बट वहाँ का ब्लेंड कर देता है, तो वो वाइट पेज पे ही सही रहता है, बट ब्लैक पेज पे ऐसा नहीं होता। उसको करेंगे तो जो नीचे का ब्लैक कलर है वो दिखने लगेगा, सो इसलिए मैं हाथ से ही प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हाथ अपना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मेरी ड्राइंग फेस बन गया है, सो देख रहे हो कितनी बेहतरीन है। जो कि मैंने इसमें डिटेलिंग डालने के लिए मैंने वाइट पेंट यूज़ किया है, जो कि आप देखोगे तो मेन काम वाइट कलर का ही है। जो जहाँ जहाँ मुझे शाइन करना है वहाँ पे मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो है वाइट कलर, वाइट पेंट बस यूज़ करके हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का बस शेड कर दो। मतलब जो गीला है कलर यूज़ किया आपने, गीला है तभी हल्के हाथ बस हाथों से प्रेस कर दोगे ना उस कलर को, तो फैल जाएगा ना हल्का हल्का शाइन, एकदम पतली पतली शेड जैसा। सो उस वो जो ड्राइंग में आपके इफेक्ट लाएगा वो बहुत बेहतरीन और अट्रैक्टिव होगा। सो उसे ट्राई ज़रूर करना अगर आपको बनाना है तो। और उसके बाद वापस जो वहाँ पे कलर आपने हटाया है, वापस वहाँ पे फिर से वाइट कलर यूज़ करो। बस इतना ही कर देने से आपकी ड्राइंग में निखार रहेगा, जो कि मैं लास्ट में करने वाली हूँ, सो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इस ड्राइंग में उतनी डिटेलिंग तो नहीं थी, बट जो ईयरिंग वगैरह थे वो जो मोर पंख जैसा था, सो काफ़ी सिंपल ही ड्राइंग थी। और उसको बनाने में केवल 2 दिन लगे हैं, एक दिन मैं फेस को बनाती हूँ और दूसरा दिन इसके बाकी पार्ट्स को कलर करती हूँ। सो बाकी हर जगह हम ग्रे और वाइट कलर यूज़ करेंगे। क्योंकि आपको सच में बहुत अट्रैक्टिव लगेगा इसको देखना, आपके लिए मतलब अलग लेवल की अंदर वाइब आएगी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैं पुराने एक्ट्रेस को ही ड्रॉ कर रही हूँ। सो इसमें बस इन्हीं 3 कलर्स का खेल है, जहाँ पे मेरे को डिटेलिंग चाहिए, मतलब सॉरी शाइनिंग वाली पार्ट्स करना है, वहाँ पे मैं सिर्फ वाइट कलर यूज़ करके उसको वहाँ पे डार्कनेस कर ले रही हूँ। उसके बाद जहाँ पे मेरे को हल्की शेड चाहिए वहाँ पे ग्रे टोन, और जहाँ पे चाहिए ही नहीं वहाँ तो ऑलरेडी ब्लैक है, बस ग्रे टोन को ही फिसला दूँ, वो पहुँच जाएगा, वो अपने रूट में आ जाएगा। सो डार्कनेस के लिए मैं कलर यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस डार्क है, सो इसका बस फ़ायदा है। सो अब देख लो, मैं हर तरफ ग्रे टोन, वाइट टोन से यूज़ करके
इतना मतलब बेहतरीन लग रहा है मेरे को देख करके। जो आप तो वीडियो में देख रहे हो बट रियल में मुझे बहुत बहुत खुशी हुई बना के कि बहुत इतना बेहतरीन लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब आँखों में आँखें डाल के आप ड्रॉइंग को देख सकते हो ऐसे। सो जो मोरपंख जैसा एयरिंग थे सो उसमें मैं वाइट पेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें शाइन था जो रिफरेंस में था, तो मैं यहाँ पे वाइट पेंट यूज़ कर रही हूँ। जो कि मेरे पास रंगीन जो रेफरेंस पिक था वो रंगीन था, मैंने उसको ब्लैक में कन्वर्ट करके इसको किया है क्योंकि जो पार्ट्स थे ना काफ़ी शाइनिंग थे, इसलिए मैं ज्वेलरी टाइप्स पिक्स रेफरेंस ढूंढ रही हूँ। सो इसलिए तो अब हर जगह मैंने जितने भी ब्लैक पार्ट्स को या फिर जहाँ पे डिटेलिंग करने है तो मैं सारी चीज़ें सिर्फ कलर से करूँगी, वाइट पेंट से मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब बस ब्रश का काम है जो कि मुझे हर जगह कलर यूज़ करने के बाद हाथों से बस फिसलाना है। सो लास्ट में आप ज़रूर देखना, सच में आप मोहित हो जाओगे इस ड्राइंग से। तो अब देख लो बस मैंने वाइट पेंट यूज़ करने के बाद ब्रश से हल्के हल्के उस वाइट कलर को फिसला दिया है ताकि शाइन आ जाए सिर्फ कुछ उस पार्ट्स में। सो अब देख लो मैंने पूरी तरह से अच्छे से हर जगह ब्लेंड कर लिया है। सो कितना बेहतरीन लग रहा है ना, एकदम मैजिकल ड्राइंग। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी, जो कि मैंने फ्री हैंड बनाई है तो परफेक्शन पर मत जाना, बस इसको जो बनाने का तरीका हुआ।